छत्तीसगढ़ में भले ही अभी नगरीय निकाय चुनाव होने में वक्त हो, लेकिन उससे पहले ही अब राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। एक तरफ जहां बीजेपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद निकाय चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस भी निकाय चुनाव के में अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी संगठन निकाय चुनाव के लिए बूथों की कुंडली बनाने में जुट गई है। अब निकाय चुनाव की किस तरह की रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे राजनीतिक दल, रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। सभी सियासी दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी निकाय चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव में किस बूथ पर कितना वोट किसे मिला है, इसको लेकर पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है, जो नगरीय निकाय में काम आएगा। इसी लेकर महामंत्री संजय श्रीवास्तव का कहना है कि हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि जहां हमें जिन क्षेत्रों में वोट मिल नहीं रहे हैं, इसके लिए सभी लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा में, चाहे वो चुनाव जीते हों या हारे हों, एक एक विधानसभा के बूथों में पीछे क्यों रह गए, उसे क्षेत्र में जाकर वजह जानेंगे। क्षेत्रों में हमको वोट प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए इस बार हमने ये किया, देशव्यापी जो हमारी एक संरचना बनी है कि सभी लोकसभा क्षेत्र जो है उसके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो हम जीते हों चाहे हारे हों, एक एक विधानसभा में जिन बूथों पर हम पीछे रह गए हैं, आखिर उन बूथों पर क्या कारण है, किन वजह से हम पीछे हैं, जो चीजें कुछ आई छन करके हम लगातार दो तीन चुनावों से पीछे हैं, तो हम उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, और उन वजहों को दूर करके अपनी बातों को लेकर के विचारधारा के साथ में हम काम कर रहे हैं देश के लिए, हम आने वाले समय के अंदर में रणनीति बनाकर जनता के बीच में जाएंगे। वहीं बीजेपी की तैयारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू ने कहा है कि राजनीतिक दल का अपना कर्तव्य है और जिम्मेदारी है, वो करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव तक ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव जो हमारे दलीय आधार पर नहीं होता, क्योंकि इसमें राजनीति ना हो, जबकि भाजपा वहाँ भी एक पैनल बनाकर चुनाव लड़ती है, ये उचित नहीं। हर राजनीतिक दल का अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है और वो करेंगे, इनका भीतरी विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि नगरीय निकाय चुनाव तक तो ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव जो हमारे दलीय आधार पर नहीं होते, पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर इसीलिए पंचायत चुनाव कराए जाते हैं कि वहां राजनीति न हो, जबकि हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी वहां भी पूरा एक पैनल बना करके पूरा पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, ये जो है उचित नहीं कहा जा सकता। छत्तीसगढ़ में 2024 के अंत में होना है नगरीय निकाय चुनाव। प्रदेश में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद, 122 नगर पंचायत। सरकार ने हाल ही में निकायों को 65 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। प्रदेश में भले ही पार्टी सिंबल पर निकाय चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जीत को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अपना मत कैसे देगी, ये तो साल के अंत में होने वाले निकाय चुनाव के परिणाम बताएंगे। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला